पहला नियम पढ़ा, क च ट त और प के बाद किसी भी वर्ग का, चाहे वह चतुर्थ वर्ग हो या पंचम वर्ग हो या चतुर्थ वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, द्वितीय वर्ण हो, उसके क च ट त प के बाद आए या अंतस्थ व्यंजन का वर्ण हो, य र ल व या उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो क च ट त प जो है अपने तीसरे वर्ण, क का ग, च का ज, ट का ड और त का द और प का प हो जाएगा, मतलब तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरे वर्ण में क जो क च ट त प जो है अपने तीसरे वर्ण में, अपने परिवार के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। पहला नियम ये था। दूसरा नियम है, यदि क च ट त क च ट त प के बाद म या न आए, ठीक है, तो क च ट त प अपने वर्ग, ठीक है, पांचवें वर्ग में परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, जैसे म के साथ अगर क आता है तो वह क का पांचवा वर्ग क्या है, अंग। ठीक है, च का पांचवा वर्ग क्या है, य, ट का पांचवा वर्ग क्या है, अण, त का पांचवा वर्ग क्या है, न, ठीक है, प का पांचवा वर्ग म, इसमें वह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा की मैं पढ़ाती हूँ, जैसे
अगर हम इसको टॉ से करते हैं तो यह अपने वर्ण के पांचवें वर्ण अरों में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम इसका टॉ से करते हैं तो यह इसका ये हम टॉ से करते हैं तो यह अपने वर्ण के अपने वर्ण के पांचवें वर्ण यानी अंगों में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यह म हलन प्लस छ। ठीक है, छ छ ज छ जो है वो अपने वर्ण के यों में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर म हलन प्लस ट आए तो कोई भी रहे, ठीक है, वो अपने पांचवें वर्ग यानी अंगों में परिवर्तित हो जाए तो परिवार का कोई भी सदस्य रहेगा। ठीक है, अगर च परिवार का कोई सदस्य रहेगा म हलन के बाद तो वो अपने पांचवें अक्षर यानी य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, म के बाद अगर ट परिवार का कोई सदस्य रहे तो वो अपने पांचवें अक्षर अड़ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर म हलन प्लस तो परिवार का कोई सदस्य हो तो वह अपने वर के पांचवें अक्षर यानी नौ हलक नौ में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मो हलक के बाद को परिवार का कोई सदस्य हो तो वह अपने वर के पांचवें अक्षर यानी मो में परिवर्तित हो जाएगा। यानी मो जो है वह मो ही रहेगा, बाकी सब जो है अंग यो और ये परिवर्तित हो जाएगा अपने अपने पांच में अपने परिवार के सदस्य का कोई भी रहे। ठीक है, अंग रहे तो सदस्य को परिवार का सदस्य रहेगा तो अंग होगा, जो परिवार का सदस्य रहेगा तो यौ होगा, तो परिवार का सदस्य होगा और रहेगा और तो परिवार का सदस्य रहेगा तो नौ रहेगा, तो आप परिवार का सदस्य रहेगा तो नौ हो जाएगा। ठीक है, thank you.
ये शब्द का प्रथम अर्थ। ओके कैसे होगा, प्रथम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कामिल क से, ठीक है। प्रथम वर्ग में क च ट ध प, दूसरे में ख छ ठ थ फ, तीसरे में ग ज ड ध ब, और घ में घ झ ढ ध भ, फोर में और पांचवे में अंग य ण न और म है। अब है सम प्लस कल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपना कलन है, यहाँ thank you।
तो ये क्या स म म के बाद ये क्या कौन से बनता है, च बनता है, च है ठीक है। तो यह अपने वर्ग के आठवें अक्षर य में परिवर्तित हो जाएगा, हो जाएगा ना प्लस च और य ऐसे ही रहेगा, ये स ठीक है। तो स संचय ऐसे भी होता है, ये हलफ के साथ है तो इसको ऐसे ऐसे कर ठीक है, ये संचय ऐसे भी होगा।
दूसरा नियम ठीक है, क च ट त प के बाद अगर म या न आए तो अपने पांचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा ठीक है। क का कोई वर्ग हो, अ में च का कोई वर्ग हो या